और अगर हम ज़्यादातर देखें तो चाहे फॉरेन कंट्रीज़ में देख लीजिए, वहाँ पर भी लड़कियों ने शरीर के दम पर ही प्रसिद्धि पाई है। बस भैया बिकनी में फ़ोटोशूट कराया और रील पे डाल दिया, मिलियन ऑफ व्यूज़ चला गया। अब उसी के रास्ते पर भैया इंडियन हमारी जो भारतीय लड़कियाँ हैं वो भी वहीं से ऊपर से, ये आप जानते ही हैं बॉलीवुड वगैरह इनकी क्या मानसिकता रही है, अब ऊपर से और फिर लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो है अपने शरीर के दम पर प्रसिद्धि पा रही हैं, और फिर लड़कों का तो क्या ही बोलिए, उनको देख देख के उनका बुरा हाल हुआ जा रहा है। और वो लोग, नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है, 2-3 दिन बाद ही, असल में थोड़ा बाहर गया हुआ था। चलिए आज का जो वीडियो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर बात करूंगा। मुझसे बहुत से भाइयों ने सवाल पूछे, भैया क्या ब्रह्मचर्य पालन करते हैं हम लोग तो क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें क्या? आप मुझ पर भी बात आई कि भाई आप जो है ब्रह्मचर्य पालन करते हो तो क्या आप बिल्कुल सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते, सच सच बताना। और मेरा क्या अनुभव रहा इसको लेके, क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या ये ब्रह्मचर्य में इसका उपयोग करना ठीक है, तो ज़रा विस्तार से अच्छे से इस पूरे मतलब समझेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे भाई हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा शायद मैं आपको मना करूँगा कि भैया मत चलाना, लेकिन थोड़ा समझेंगे पहले, जानेंगे और आप मुझसे ना कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ यार ये बात सही है। अब ज़रा समझेंगे, ज़रा ध्यान से वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम थोड़ा पहले जाएँ, पहले जब टिकटॉक काफ़ी प्रसिद्ध था, हम टिकटॉक पर वीडियोस देखते थे। काफ़ी नौजवान ऐसे हैं जो टिकटॉक से ही प्रसिद्ध हुए और आज जाके इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पर आकर बैठे हुए हैं जब से टिकटॉक बैन हुआ है। तो टिकटॉक हम काफ़ी चलाते थे, अगर पहले के समय की हम बात करें तो हम खूब स्क्रॉलिंग करते थे, मैं भी उनमें से एक था, वीडियोज़ चलाना, और कब घंटों उसमें निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। तो ये जो एक्सपीरियंस हमारे रहे, और उसमें खासकर कोई अगर सुंदरी आ गई हो, कोई लड़की हो जो अपने शरीर का बिल्कुल जो है प्रदर्शन कर रही है छोटे कपड़ों में, तो उसको देखकर बार बार दिमाग में ट्रिगर होना, उसके जो है उसको फॉलो करना, उसके बाद जो है और स्क्रॉलिंग करना, उसकी और रील्स देखना, रात दिन बस यही करते रहना, स्क्रॉलिंग करते रहना, और बिना कुछ सोचे समझे, कोई समझदारी नहीं कि भैया हम ये क्या कर रहे हैं। बस वो 15 सेकंड की रील हमारी वाट लगाने के लिए काफ़ी है। हम देखे जा रहे हैं, दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया है फास्ट, बिल्कुल मतलब फास्ट कैसा, ऐसा हो गया है कि कोई भी चीज़ समझना नहीं चाहता, बस कोई भी शॉर्ट वीडियो बता दो जिस पर 2 मिनट में बात समझ में आ जाए। लंबा वीडियो देखने की हमारी भैया हिम्मत ही नहीं रही, ये सब शॉर्ट वीडियो की वजह से हुआ है। आपके दिमाग में धैर्य, आपके अंदर धैर्य ही पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मैं कहता हूँ ना भैया धैर्य रखो, सब्र रखो, खत्म हो चुका है आजकल। भैया एक दिन में रिजल्ट चाहिए लोगों को, कोई वीडियो मतलब वो समझना नहीं चाहते, बस शॉर्ट वीडियो 2 मिनट का देख लें बस समझ में आ जाए भैया बस। तो ये सब ये इन्हीं रील वील की वजह से हुआ है भैया, जो 15-15 सेकंड की हम जो ये बिकनी वाली लड़कियों की रील देखा करते हैं। और मैं जानता हूँ अभी बहुत से ऐसे भाई हैं जो स्क्रॉलिंग करते हैं। आज आप सोशल मीडिया पे ज़्यादातर देखेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपके सामने फॉरेनर कंट्रीज़ की चाहे हों चाहे हमारे इंडिया के, यहाँ से सब आपको ज़्यादातर डांस करते हुए दिखेंगे। बस उन्होंने छोटे कपड़े पहने होंगे, नग्नता का प्रचार हो रहा होगा, शरीर के दम पर ही प्रसिद्धि पाना है, सिंपल सी बात है, बाकी सब गया भाड़ में। अब इससे दूसरे जो युवा हैं, जो अभी छोटे हैं, नादान हैं भाई, वो सबसे पहले हम बात करें मास्टरबेशन एडिक्शन, भाई ये सॉफ्ट कॉर्न का काम करता है, ये मेरी बात समझना, ये सॉफ्ट कॉर्न का काम करता है, ये जो आप देख रहे हो उन लड़कियों को। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पूरी तरीके से गलत है, बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया कई जगहों पर ठीक भी है, लेकिन ज़्यादातर ये लोगों को बर्बाद कर रहा है, उनके दिमाग को डैमेज करने में लगा हुआ है भैया। बात समझ में आ रही है आपको? आज अगर आप देखेंगे कि किसी भी लड़की का प्रोफाइल उठाकर देख लें, अब आपने उसको, आप वैसे मास्टरबेशन के एडिक्शन में हैं, वो सॉफ्ट पोर्न का काम करेगा और आप उसको देखोगे, ट्रिगर होगा बार बार, आप उसी की चीज़ें बार बार देखोगे, उसके बाद उससे अच्छी कोई दिख जाएगी, जबकि आप जानते हो कि इन सब में फ़िल्टर लगा हुआ है भैया, इन सब में फ़िल्टर लगा है, लेकिन हम उसे देखे जा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि अब सबको, जितने भी युवा या युवा लड़कियाँ ये देख रही हैं, अब उनको भी ट्रिगर जाएगा, भैया सफलता पाना हो तो सुंदर बनो, शरीर को बिल्कुल अच्छा रखो, उनकी भाषा में कहें तो भैया अच्छा शुडोल रखो, सेक्सी रखो, और सोशल मीडिया पर आ जाओ, ठुमके लगा दो, मिलियन ऑफ व्यूज, मिलियन ऑफ फॉलोवर्स हो जाएंगे, पैसे आएंगे, एडुकेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दूसरों को भी यही ट्रिगर जाएगा और वो लड़कियां भी यही करेंगी, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो भी देख के यही सब करेंगी और कर भी रहे हैं। कोई कभी अश्लील गाना उठाया, माँ बाप खुद कहते हैं देखो हमारी बच्ची रील बना रही है, भले वो अलग ही लेवल के माँ बाप हैं भैया, अब क्या ही बोलूँ मैं, ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। तो ये चीज़ें, और ऊपर से देखो अब हम मास्टरबेशन एडिक्शन की अगर बात करें तो ये सब तुम्हारे धीरे धीरे बर्बाद करता है, उसके बाद तुम उन वीडियोज़ की ओर जाते हो, लगातार फंसे पड़े हो, इधर कुआं तो इधर खाई। मेरा सिर्फ मतलब इतना सा है मेरे भाई, देखो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं तो इससे बर्बाद होता चला गया,
पहले की बात बता रहा हूं जब मैं इस एडिक्शन में था। ये स्क्रॉलिंग करना, समय का पता ना चलना, बस इसी में दिन रात खोए रहना, इमेजिनेशन करते रहना और अपने आप को महान बताते रहना कि मैं भी ऐसा कर लूंगा, मैं भी यूं करके दिखाऊंगा, मैं भी अपने आप को बेस्ट बनाऊंगा, फलाना फलाना, बस सोचते ही रहना, एक्शन कभी लेना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। अगर अभी बीच में एक वो आया था कच्चा बादाम करके, तो उसमें एक लड़की ने जबर जो है भैया अपने पिछवाड़े हिलाए, अब उसको कितने ही लोगों ने देखा, कितने ही नादान बच्चों ने देखा, वो तो भैया जबरदस्त पिछवाड़े हिलाए जा रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं। एक रील नहीं बनी, बहुत सारी रील बनी उस पर। अब अगर किसी नादान बच्चे से पूछो तो वो बेचारा कहेगा कच्चा बादाम भैया पिछवाड़ा होता है, जबकि कच्चा बादाम का मतलब होता है मूंगफली। तो ये चीजें आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर कर रही हैं, दिन पे दिन आपकी इच्छाओं मतलब ऐसी बढ़ा रही है ना, आप हर वक्त बस एक लड़की को वस्तु के रूप में देखोगे, और आजकल की लड़कियां खुद अपने आप को वस्तु दिखा रही हैं, प्रस्तुत कर रही हैं, शायद उन्हें अंदाजा नहीं है। लड़कियां भी ये गलती कर रही हैं, दूसरों को देखा देखी वो भी बस अपने शरीर को पेश कर रही हैं कि देखो लाखों लोगों मेरे शरीर को देखो, वो भी अपने आप को वस्तु के रूप में ही प्रस्तुत कर रही हैं। और ऐसे में फिर लड़कों की मानसिकता भी बिगड़ेगी, वो भी फिर बहुत ज्यादा एग्रेशन जो उन्होंने देखा है उन कॉर्न वीडियोस में, एक लड़की को वस्तु समझना, तो वो भी आपको एक वस्तु की तरह ही ट्रीट करेंगे। ताली दोनों तरफ से बज रही है, तो ये हमें समझना होगा इस चीज को। बाकी देखो भाई, मैं जो हूं, मैं क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूं? नहीं भाई, मैं ज्यादातर यूट्यूब का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म सही है। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूं तो मैं वीडियो अपने जो है यूट्यूब का प्रचार कर रहा हूं, नहीं, यूट्यूब अपनी जगह बेस्ट है, क्योंकि जो आप सर्च करोगे वही आपके सामने आएगा। ध्यान रखें इस बात का, अच्छा सर्च करोगे अच्छा ही आपके सामने आएगा। कोई आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, स्क्रॉलिंग करोगे तो तरह तरह की चीजें आपके सामने आएंगी। मैं आपको कहूंगा आप चलाओ सोशल मीडिया, लेकिन अच्छे कंटेंट को फॉलो करो। आपकी हॉबी क्या है, उससे रिलेटेड आप क्या करना चाहते हो जीवन में, उससे रिलेटेड चीजों को फॉलो करो तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी भैया आजकल कोई ऐसा मतलब नहीं रह गया, मतलब अगर हम सोशल मीडिया को खोलें और स्क्रॉलिंग करें तो एक के बाद एक नग्न रील आपके सामने आएगी, नग्नता ही नग्नता, वो आपको पेश करेंगे और आप बस उसी में खो जाओगे, उनको फॉलो करोगे, उसके एक के बाद एक वीडियोस देखते जाओगे बस, और उसी को इमेजिनेशन करोगे और मास्टरबेशन करोगे, और थोड़ी कमी लगी उन वीडियोस की ओर जाओगे, खोलोगे और फिर डबल मास्टरबेशन करोगे। बहुत से भाई कहते हैं भैया आज मैंने चार चार पाँच पाँच बार कर दिया, ये सब इसी की देन है। इमेजिनेशन करते रहना, कुछ भी दिख जाना उसको सोचना, हर वक्त एक नई लड़की दिखेगी, तुम सोचोगे और मास्टरबेशन करोगे। इसलिए सावधान होना है, हमें अच्छे पेजेस को फॉलो करना है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, ठीक है, हमें इसका सही उपयोग करना है। आज सोशल मीडिया की वजह से ही ब्रह्मचर्य की बातें आप लोगों तक पहुंची है, हमारे यूट्यूब पे हमारी जो चैनल है इसके माध्यम से, और भी भाई चलाते हैं चैनल उनके माध्यम से भी। तो अच्छे कंटेंट को फॉलो करो, अपनी इंद्रियों का सबसे पहला स्टेप यही उठाओ को, इंद्रियों को काबू में कैसे करें, गलत ना सर्च करके, चाहे कितना ही मन में आ रहा हो तुम कुछ गलत सर्च नहीं करोगे। तुम हमारे ब्रह्मचर्य के वीडियोस देखो, मैं कह रहा हूं मेरा एक वीडियो तुम 10 बार देखो, तुम्हारे दिमाग में ब्रह्मचर्य भर जाना चाहिए, ब्रह्मचर्य की बातें भर जाना चाहिए। इतने वीडियो देखो ब्रह्मचर्य के कि यही वीडियोस तुम्हारे सामने आए, तो फिर कहां से कोई गलत कंटेंट तुम्हारे सामने आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। शुरुआत ऐसे करो अपनी इंद्रियों को काबू में करने की, ठीक है। बात से बहुत सारे ऐसे जाहिल लोग भी पड़े हैं, इतनी गंदे कंटेंट बना रहे हैं, अश्लीलता कुछ भी गंदा, हंसी मजाक के नाम पे गंदगी अश्लीलता फैलाए जा रहे हैं। कॉमेडी कर सकते हो आप, और भी ऐसे यूट्यूबर हैं इंस्टाग्राम पर हैं जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं हंसी मजाक के, बिना कोई गंदगी फैलाए, छोटे मोटे हंसी मजाक ऐसा छोटा मोटा चलता है थोड़ा बहुत। अब हर वक्त अश्लीलता गंदे ये ऐसे क्या कर रहे हो भाई, मेरी बात को समझना मेरे भाई। तो इन सबसे बचिए। बाकी भाई फॉरेन कंट्रीज ये हुई, यहाँ पे भी लड़कियाँ जो है बिकनी में, और उसको देखे देखे आज हमारे भारत में भी लड़कियाँ जो है आधे आधे कपड़ों में बिकनीज में, जो बॉलीवुड है ये और चार चांद लगा ही देता है सोशल मीडिया पे देख के, उसको फॉलो करना कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसा बनूंगा, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करना। कोई प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है तो भैया मैं भी अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करूं। अरे वो सोशल मीडिया पे आधे से ज़्यादा झूठ होता है, आधे से ज़्यादा तो फिल्टर लगाते हैं। अभी जो मैगजीन वगैरह देखते हो उसको एडिटिंग की जाती है। वेकअप टू रियलिटी माई फ्रेंड, वो सब नकली दुनिया है, उसके पीछे मत भागो, ठीक है। अब आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उसके पीछे भागो मेरे भाई, उस पर मेहनत करो, ठीक है मेरे भाई। चलिए फिर और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे, क्योंकि काफ़ी अभी 4-5 दिन का गैप हो गया तो वीडियोस नहीं ला पा रहा था, अब वीडियोस आएंगे लगातार मेरे भाई।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए धन्यवाद।